किसान सम्मान निधि योजना की बहुत बड़ी चर्चा की गई। कहा गया कि 6,000 रुपया सालाना बजट में प्रावधान कर किसान को दिया जा रहा है, उसका सच भी आज हम उजागर करने वाले हैं। भारत में 14.64 करोड़ किसान हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये भारत सरकार का एग्रीकल्चर सेंसस 2016 कह रहा है। मोदी सरकार के मुताबिक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में मात्र 8.22 करोड़ किसान ही चिन्हित किए जा पाए हैं, यानी 6,42,00,000 किसान मोदी सरकार के मुताबिक भी आज किसान सम्मान निधि से बाहर हैं। और यही नहीं, मोदी सरकार ये शेखी तो बघारती है कि किसान हर किसान को सालाना 6,000 रुपया प्रति वर्ष दिया, पर यह नहीं बताती कि 5.5 साल में किसान की प्रति हेक्टेयर कीमत को 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर बढ़ा दिया है। कैसे? मोदी सरकार ने डीजल पर एक्साइज ड्यूटी 3.56 रुपया प्रति लीटर से बढ़ाकर 5.5 साल में 31.83 रुपया प्रति लीटर कर दी, यानी 5.5 साल में अकेले डीजल पर 800% टैक्स की बढ़ोतरी की गई है, जिससे लाखों करोड़ कमाया जा रहा है। यही नहीं, मई 2014 में डीएपी खाद की कीमत थी 1,125 रुपया प्रति बैग, आज वो बढ़कर हो गई है 1,400 रुपया प्रति बैग। यूरिया खाद के कट्टे की कीमत 5 किलो कम कर दी गई, पर कीमत वही रही, 5 किलो कम कर 50 से 45 किलो कर दिया, पर कीमत वही रही। सुपर खाद की कीमत 260 रुपया से बढ़ाकर 350 रुपया कर दी गई। और यही नहीं, पहली बार खेती पर टैक्स लगाया गया, जीएसटी लगाया, खाद पर 5% जीएसटी, कीटनाशक दवाई पर 18% जीएसटी, खेती के उपकरणों पर 12% जीएसटी, यहां तक कि किसान के ट्रैक्टर के टायरों पर भी 18% जीएसटी। और इस प्रकार से 15,000 रुपया प्रति हेक्टेयर अतिरिक्त लागत बढ़ा दी गई किसान की फसल की, और आधे किसान को 6,000 रुपया सालाना देकर वाहवाही पीटने की कोशिश की जा रही है।